बड़वानी जिले के पानसिमल विधानसभा में भाजपा के प्रवासी विधायक महाराष्ट्र के शहादा विधानसभा के एमएलए राजेश पाड़वी पहुंचे। शनिवार को विधानसभा मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री अनूप मिश्रा, जिला मंत्री सचिन चौहान, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि झुलाल वसावे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसी मदद रखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमें 4 राज्यों के विधायकों को मध्य प्रदेश में संगठन की समीक्षा करने के लिए भेजा है कि जहाँ पे जमीन स्तर पे लेवल पे जो भी कार्यकर्ता है और जो भी नेता है उनसे मिल करके बातचीत कर करके उनसे पार्टी के बारे में, आज की पार्टी की जो भी राजनीतिक स्थिति क्या है और संगठन की स्थिति क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के, उनसे बातचीत करके, उनके सुझाव लेकर के और उनकी जो भी सूचनाएं हैं वो लेकर के हमें लिखित स्वरूप में केंद्र कार्यकारिणी को भेजना है। इसी कारण यह हमारी विधायक प्रवास यात्रा रखी गई है। आपने क्या पाया था? हमें 5ों मंडल का मैंने प्रवास किया। 5ों मंडल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। 5ों मंडल में सभी जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की मैंने, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से बातें की, वहाँ के लोकल लीडर से बातें की, वहाँ के सभी क्षेत्र के जैसे व्यापारी है, उद्योजक है, डॉक्टर है, वकील है, सभी क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और अभी के संगठन के बारे में क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी ली। सर, कहाँ कहाँ पे आपने अभी तक पाँच मंडलों का हमने बैठक लिया है जिसमें निवाली है, चाटली है, बलसुद है, खेतिया है और मानसेमल है। सर, इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हो? ये चुनाव हमारे आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ पर ट्राइबल क्षेत्रों में पिछले विधानसभा में हमें ट्राइबल काफ़ी सारी सीटें हमारी हार चुके हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए अभी आने वाले चुनाव में जो भी ट्राइबल क्षेत्र में है, जो भी हमारे यशस्वी पंतप्रधान मोदी जी और मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो भी योजनाएं ट्राइबल क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जो भी योजनाएं लाई है, वो योजनाओं को लेकर के हमें जमीन स्तर पर जा कर के वो योजनाओं के बारे में बता के आने वाले चुनाव में हमें ये विधानसभा जीतनी है। सर, जैसे का जो वर्चस्व बढ़ते जा रहा है उसको लेकर कुछ जेएस का वर्चस्व मुझे तो पानसेमल या फिर खेतिया तरफ तो दिखाई दिया नहीं। निवाली के आगे थोड़ा बहुत वर्चस्व है उनका, लेकिन फिर भी पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस के जो भी विधायक है अभी वर्तमान विधायक है उन्होंने ऐसे कुछ काम किया नहीं, उनका भी कुछ काम हुआ नहीं है। इसी कारण नाराजगी को लेकर के वो शायद उन लोग भी खुद अपने प्रत्याशी के रूप में पार्टी में सहभाग ले सकते हैं, आने वाले चुनाव में खड़े हो सकते हैं। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस क्षेत्र से पास से गुजरी थी, उसका कुछ असर आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं? मुझे तो कहीं लगा नहीं है, दक्षिण से लेकर के पूरे यहाँ तक नॉर्थ तक की यात्रा गई, उसमें कहीं ऐसे कुछ लगा नहीं कि वो यात्रा से यहाँ की जनता के ऊपर कोई असर हुआ हो। सलाई जनपद में त्रिकोणी चुनाव हुए थे सर, तो आपको लगता है कि आमने सामने का मुकाबला हो या त्रिकोणी होगा? कहाँ पे? पानसिमल विधानसभा में। पिछले चुनाव में विधानसभा में ऐसे बोला जाता है कि गुटबाजी हुई, मतभेद हुए, इसी कारण हम यहाँ की सीट हारे। इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, जो भी हमें जानकारी हासिल हुई है वो हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, राज्य कार्यकारिणी को हम बता देंगे, ताकि हमारे बीच के किसी को भी यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी मिले और जो भी गुटबाजी है वो ख़त्म करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुप्रत्याशी योजना है लाडली बहना योजना, उससे क्या फ़ायदा होते नज़र आ रहा है पार्टी? जी, मैंने देखा है जहाँ करके पूरे भारत में मध्य प्रदेश में जो महिला सबलीकरण को लेकर के योजनाएं हैं, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, वो बहुत ही अच्छी योजना है। वो महाराष्ट्र में भी नहीं, हमारे और अन्य राज्यों में भी देश के कहीं नहीं है। ये बहुत अच्छी योजना शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में लाई है। इसको लेकर के बिल्कुल महिलाओं के बीच हम लोग का कार्यकर्ता के रूप में, मंडल जो भी हमारे अध्यक्ष के रूप में, जो भी हमारे महिला कार्यकर्ता के रूप में हम लोग महिलाओं के बीच और जमीन स्तर के कार्यकर्ता तक जा करके ये योजना के बारे में बताएं कि हमें इसका फायदा जरूर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25,000 से अधिक मतों से यहाँ पराजित हुई। अब आप यहाँ पर हैं, क्या महसूस करते हैं, परिणाम किस दिशा में जाएंगे
और इस 25,000 की लीड को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पाटने की तैयारी में है? इस बार तो ऐसा लगता नहीं कि हम लोग यहाँ से हारेंगे, क्योंकि सरकार तो हमारी बनने वाली है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अगर यहाँ से अगर कांग्रेस जीतती है तो यहाँ लोगों का कुछ काम होने वाला है ही नहीं, क्योंकि पिछले 5 सालों में लोगों ने देखा है। अगर हमारी पार्टी का यहाँ बीजेपी यहाँ से जीतती है तो जो भी विकास काम है, जो भी काम है, यहाँ के सभी कार्यकर्ता भी काम होंगे और ये क्षेत्र का विकास भी होगा। सर, कमलनाथ जी के वचन पत्र में स्पष्ट है कि उनकी सरकार आने के बाद नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे, इसके संबंध में क्या कहोगे? उन्होंने तो पिछले टाइम भी उनके जो एजेंडा था उसमें बताया था उन्होंने कि किसानों के लिए कर्ज माफ़ी होगी, फिर बेरोजगारों के लिए वहाँ पे एक अपने जो भी भत्ता दिया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका एजेंडे में जो भी उन्होंने बताया था ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हमें इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये जो उनका जो एजेंडा था इसको लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे तो ज़रूर हमें फ़ायदा होगा इसका। शाहदा और पानसेना लगभग एक जैसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ लोगों का रहन सहन संस्कृति लगभग मिलती जुलती, क्या मान करके चले कि दूसरी बार इस विधानसभा को भी राजेश पाड़वी की तरह भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार मिलेगा? बिल्कुल, अभी हमारे बीच में जो भी पिछले टाइम जो हुआ कि गुटबाजी हुई, मतभेद हुआ, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है, गंभीर है। इस टाइम ऐसा कुछ होना नहीं है। इस टाइम हमारी पार्टी के जो भी उम्मीदवार होगा उसको सभी जो भी प्रत्याशी जो भी दावेदार होंगे सभी उसको समर्थन देंगे और पार्टी के उम्मीदवार जो भी उसको जिता देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी, पहले उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें अधिकांश जगह उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, तो क्या मान करके चले कि पानसमल विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार आपके द्वारा कब तक घोषित कर दिया जाए? वो तो देखो, हम तो यहाँ पे पार्टी के संगठन को लेकर के पार्टी के जो भी संगठन है उसकी हमने राजकीय स्थिति है, उसकी जो संगठन स्थिति है इसके बारे में जानकारी ली है। ये हमने लिखित गोपनीय स्वरूप में मैं केंद्र कार्यालय को भेजूंगा। जो भी उम्मीदवार तय करना है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का काम है, मेरा कोई ऐसा कोई काम है नहीं। युवा चौहरे को मौका दिया जाए।